नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 6 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन किस बैंक के सीईओ बनाए गए हैं? शशिधर जगदीशन हैज बीन मेड द सीईओ ऑफ विच बैंक? ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिस बैंक, सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी, थर्ड ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई। तो यहाँ पर इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, एचडीएफसी बैंक। अभी ये हाल में ही ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ बनाए गए हैं। और बात है एचडीएफसी बैंक की, तो इसको हम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सीएम वासुदेव। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आकाशवाणी समाचार में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल इन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज? ऑप्शन है फर्स्ट विजय मोहंती, सेकंड ऑप्शन है बीआर चौधरी, थर्ड ऑप्शन है रमेश रंगनाथन, फोर्थ ऑप्शन है जयदीप भटनागर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, जयदीप भटनागर जी को अभी हाल में ही आकाशवाणी समाचार में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत एयर फाइबर सर्विसेज कहाँ शुरू हुई है? तो वेयर हैज भारत एयर फाइबर सर्विसेज स्टार्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराष्ट्र। तो अभी हाल में ही महाराष्ट्र राज्य में BSNL द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज इंटरनेट फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए सिटी में करीब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये इंटरनेट फैसिलिटी को कवर करेगी। तो इसको अभी हाल में शुरू किया है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक और इम्पोर्टेंट वर्क किया है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा कि 1975 और 77 के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस इमरजेंसी में जेल जाने वाले जितने भी लोग थे तो उनकी पेंशन रोकने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो इसको आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा, 1975 से 1977 की इमरजेंसी में जेल जाने वाले लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। और इससे पहले अभी महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल को भी लॉन्च किया था। बात है महाराष्ट्र की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राजधानी यहाँ की मुंबई, और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं, और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी कार्यरत हैं। और यहाँ की विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 288 सीट्स हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान किसने चलाया? तो हु हैज लॉन्च ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश राज्य ने ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान को शुरू किया है, इंटरनेट के प्रति और साइबर सिक्योरिटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। और इससे पहले ही अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों का भी गठन के लिए मंजूरी दे दी है, और वो राजधानियों के नाम इस प्रकार है, जैसे अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल, कुरनूल जिसको न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। तो इन 3 राजधानियों को आंध्र प्रदेश सरकार में समिति बनाकर पारित करा लिया था संसद से। और बात है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में और भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे ऑपरेशन मुस्कान और अध्ययन समिति। अध्ययन समिति जिलों के गठन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है, और ई क्रॉप किसानों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ई क्रॉप नाम की योजना भी आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये कोरोना से बचाव के लिए मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी सेंटर बनाए आंध्र प्रदेश सरकार ने। और इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट करके रिवाइज कीजिएगा। और बात है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर गवर्नर है, और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी कार्यरत हैं। और यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 175 है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बुजुर्गों दिव्यांगों को घर पर ही गैस सप्लाई करने की पहल किसने शुरू की है? तो हु हैज इनिशिएटेड द इनिशिएटिव टू सप्लाई गैस एट होम टू द एल्डरली और डिफरेंटली एबल? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, उड़ीसा। अभी हाल में ही उड़ीसा राज्य ने इस पहल को शुरू किया है।
और इससे पहले भी अभी उड़ीसा राज्य ने, कल मैंने आपको बताया था, अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया था और वहाँ पे उन वन उत्पाद क्लस्टर ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। मधुबाबू पेंशन योजना थर्ड जेंडर को देने के लिए ये भी अभी उड़ीसा सरकार ने चलाई थी। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये भी अभी उड़ीसा सरकार ने चलाई थी। और बलराम योजना भी अभी उड़ीसा सरकार ने कुछ दिनों पहले शुरू की थी, तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। बात है उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल और मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 147 है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप में फीमेल टीम ने हटने का फैसला लिया है। तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप फीमेल टीम हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ। ऑप्शन है फर्स्ट भारत, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत। तो अभी भारत की मतलब अपने देश की महिला वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप टीम ने प्रिपरेशन ना होने के कारण इससे विड्रॉ किया है। और बात है अपने देश में, तो अपने देश के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू इस समय। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद इरफान अली कहां पर राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। तो वेयर विल मोहम्मद इरफान अली टेक ओवर एज प्रेसिडेंट चार्ज। तो ऑप्शन है फर्स्ट सोमालिया, सेकंड ऑप्शन है मॉरिशस, थर्ड ऑप्शन है गुयाना, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये गुयाना। तो अभी हाल में ही ये गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं। और बात यहाँ पे गुयाना की, तो इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और ये क्या एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी मुद्रा है गुयानास डॉलर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सियासत में सदस्यता बुक का उद्घाटन किसने किया है। तो मेंबरशिप इन पॉलिटिक्स हु हैज इनॉग्रेटेड द बुक। ऑप्शन है फर्स्ट विजय मोहंती, सेकेंड ऑप्शन है संजय करोल, थर्ड ऑप्शन है फागु चौहान, फोर्थ ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नीतीश कुमार, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बुक का भी उद्घाटन किया है और इसके जो राइटर है वो है विजय कुमार चौधरी। बात यहाँ पे बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, गवर्नर है यहाँ के फागु चौहान और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे संजय करोल जी कार्यरत है। और यहाँ पर विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 243 है। अभी बिहार सरकार ने भी इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया था मौसम विभाग की जानकारी देने के लिए और संजीवनी ऐप अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, इसको भी बिहार सरकार ने लॉन्च किया कोरोना टेस्टिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट मुकुंदकम शर्मा, सेकंड ऑप्शन है किरण कुमार, थर्ड ऑप्शन है बीआर चौधरी, फोर्थ ऑप्शन है मनोज जोशी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुकुंदकम शर्मा को अभी हाल में ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए 2020 के लिए चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड इंग्लैंड द्वारा दिया जाने वाला सम्मान किसे मिला है। तो हु हैज रिसीव द फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंग्लैंड। ऑप्शन है फर्स्ट दीपांकर घोष, सेकंड ऑप्शन है जॉर्डन हेंडरसन, थर्ड ऑप्शन है ब्रायन हेज, फोर्थ ऑप्शन है पीटर फेरेली। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जॉर्डन हेंडरसन को अभी हाल में इंग्लैंड के द्वारा दिया जाने वाला फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड ये प्रदान किया गया है। और इसी के साथ एक न्यूज और है कि अभी जर्मनी के एक फुटबॉलर है बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये क्या जर्मनी के फुटबॉलर है। और बात है जर्मनी की, तो इसकी राजधानी बर्लिन है, मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टियर स्टेनमेयर, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और फुटबॉल का पूरे वर्ल्ड में आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। फीफा जिसको हम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो, इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त माह के किस हफ्ते में मनाते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच वीक ऑफ अगस्त। ऑप्शन है फर्स्ट पहले हफ्ते, सेकंड ऑप्शन है दूसरे हफ्ते, थर्ड ऑप्शन है तीसरे हफ्ते, फोर्थ ऑप्शन है चौथे हफ्ते में। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहले हफ्ते में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त में। इसमें क्या है, शिशुओं के विकास में माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व बताने व जागरूक करने के उद्देश्य से इसे अगस्त के पहले हफ्ते में 1 से 7 अगस्त को मनाते हैं। और इसे मनाने की घोषणा यूनिसेफ
WHO और WABA द्वारा की गई थी, वाबा, WABA जिसको हम वाबा कहते हैं, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। इस संस्था को बनाया गया था और इसको 14 फरवरी 1991 में बनाया गया था। इसके संस्थापक थे अनवर फजल और इसका मुख्यालय पेनांग मलेशिया में। और इस बार की वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए जो थीम थी 2020 के लिए वो ये है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानेट, इस बार की थीम है। और इसी के साथ एक फैक्ट है उसको भी आप नोट कीजिएगा कि अभी एक खादी द्वारा निर्मित सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को अपने देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है और आज के लिए टेस्ट के दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो आप इनका सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई क्वेरी और सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।